वेलकम गाइस, मेरा नाम है राहुल, स्वागत करता हूँ हमारे और आपके चैनल आरपीजी गेमिंग में। सो यार, जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि हमारा मिरामार मैप का वेटिंग लॉबी कैसा होने वाला है। लेकिन यार, आज की इस वाली वीडियो में लोग बात करने वाले हैं हमारे मिरामार मैप के बिल्कुल न्यू, बिल्कुल तड़कते भड़कते, बिल्कुल चहर वाले न्यू व्हीकल्स के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, व्हीकल्स भी हमारे न्यू मैप के अंदर न्यू व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो वीडियो में पूरी एंड तक बने रहना, बिल्कुल सारे के सारे न्यू व्हीकल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहना, और यार वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना इस वाले जहर से धमाकेदार ओपी वाले वीडियो के लिए, एक लाइक ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप लोग चैनल पर नए तो जाके ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। तो चलो गाइस, फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस यार, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने वेटिंग एरिया के बारे में बताया, तो उसमें मेरे को कमेंट सेक्शन में ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले कि भाई ये पबजी मोबाइल का गेम प्ले है। तो भाई देखो यार, जो भी लीक्स आती है ना गाइस, मेनली पबजी मोबाइल से ही आती है। इसलिए आज का ये वीडियो का भी जो लीक्स है वो पबजी मोबाइल से ही लिया गया है। इसलिए गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी ऐसा कमेंट मत करना कि ये चीज़ पबजी मोबाइल का और यहाँ पे तू पबजी मोबाइल लाइट का बता रहा है, ठीक है? क्योंकि गाइस देखो यार, जो भी चीज़ पबजी मोबाइल का है वही पबजी लाइट में बाद में आता है, ऐसे ही सीन होता है हमेशा। और आप लोग कोई भी चीज़ लेके देख लो, वही चीज़ रहेगा। तो यार चलो फटाफट से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी की सारी गाड़ी की स्किन और बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें दिखाता हूँ। सो गाइस यार, जैसे कि तुम लोग सबसे पहला कार देख सकते हो, ये वाला कार है जिसका नाम है मिराडो। और भाई यहाँ पे जो मिराडो है ये दो तरीके का होता है, यानी कि एक ओपन मिराडो होता है जिसके ऊपर खपरा आपको नहीं देखने को मिलेगा, एंड एक क्लोज्ड मिराडो होता है, जैसे कि आप लोग ये वाला क्लोज्ड मिराडो देख सकते हो। तो गाइस ये वाला जो व्हीकल है ये मतलब बेसिकली सिर्फ मिरामार के लिए बनाया गया, बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जब भी मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ तो यहाँ पर कैसा स्किट खा रहा है और यहाँ पर सही से चल नहीं रहा, बिकॉज इसका जो मतलब जो चक्के है वो मिरामार मैप के सरफेस के हिसाब से बनाया गया है। इसलिए गाइस ये नॉर्मल ज़मीन पे अच्छे से नहीं चलता है, सिर्फ ये मिरामार में बहुत अच्छे से चल जाता है। तो गाइस ये मिरामार का एक तरीके से आप लोग समझ लो डासिया या जीप हो गया, ठीक है? अब हम लोग इसके बाद सेकंड व्हीकल की बात करें तो ये है पिकअप। गाइस इसका गाइस नाम है पिकअप, और ये व्हीकल जो है गाइस बहुत ज़्यादा मस्त है। मतलब कि ये वाला व्हीकल आप लोग समझ लो कि मिरामार का बेस्ट व्हीकल है। इसमें क्या होता है, इसका खासियत ये है कि जो भी आपको हिली एरिया मतलब कि जैसे आप लोग पहाड़ वहाड़ का चढ़ाई करते हो तो वो बिल्कुल इजीली कर लेता है, ये बिना बूस्ट के भी कर लेगा। और गाइस नॉर्मली अगर आप लोग इसको रोड पे चलाओगे और बूस्ट दोगे तो ये थोड़ा बहुत कभी कभी अनबैलेंस हो जाता है, तो गाइस उसके कारण से आपको कभी कभी परेशानी भी हो जाती है। बट यहाँ पर गाइस हिल क्लाइंब करने के लिए ये वाला बहुत ही ज़्यादा मस्त, ये वाला जो कार है ये उसी के लिए सूटेबल रहता है। एंड इसके बाद थर्ड चीज़ की बात करें तो ये वाला बस आप लोग देख लो, ये वाला गाइस जो बस है यहाँ पर 10 सीटर बस है, और इसमें गाइस बहुत बंदे आ सकते हैं, यानी कि आपके टीममेट्स के अलावा आपके एनिमी भी इसमें घुस सकते हैं, तो इतना ज़्यादा इसमें जगह है। एंड ये वाला बस आने के चांसेस कम है, बिकॉज ये वाला बस हो सकता था हमें सैनोक यानी कि हमारा गोल्डन वुड्स में भी देखने को मिलने वाला था, बट हमें गोल्डन वुड्स में ये बस नहीं देखने को मिला। तो मे भी हो सकता है कि हमारा मिरामार मैप में भी हमें ये बस देखने को नहीं मिले, बट एक एज अ लीक आप लोग समझ लो कि ये वाला बस भी आ सकता है, ठीक है? हम लोग इसके गाइस बस की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बस कहीं भी चल जाता है, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बस चल पा रहा है। तो बिल्कुल नॉर्मली स्मूथली वर्क कर रहा है बस यहाँ पर, और यहाँ पर गाइस पहाड़ वहाड़ चढ़ने में थोड़ा सा तो बस को दिक्कत होगा, आपको बूस्ट से आप इसको ले जा सकते हो। तो गाइस ये इस तरीके से आप लोग बस को यूज़ कर सकते हो अपने मिरामार मैप में। एंड ये कन्फर्म नहीं है गाइस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये कन्फर्म नहीं है कि हमें ये वाला बस देखने को मिलेगा कि नहीं हमारे मिरामार मैप के अंदर, बट यहाँ पर गाइस ये बस के आने के चांसेस है। बट जो मैंने अदर व्हीकल्स दिखाए हैं वो लोग के चांसेस बहुत ज़्यादा है, वो लोग तो गाइस आने का मतलब समझ लो 90% चांस है कि वो दोनों आपको तो डेफिनेटली देखने को मिलने वाले, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट व्हीकल की बात करें तो गाइज वो है गाइज हमारा बाइक। एंड गाइज बाइक की बात करें तो यार मिरामार मैप के अंदर बाइक से अच्छा कोई व्हीकल नहीं है। बाइक आपका हिल एरिया भी क्लाइंब कर लेता है, बाइक आपका नॉर्मल रोड पे भी एकदम स्पीड में चला सकते हो आप लोग, एंड बाइक चलाने का कुछ अलग सा ही मज़ा है। एंड जिन बंदों को गाइज बाइक अच्छे से चलाने आता है उनका तो गाइज मिरामार मैप में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर गाइज मिरामार मैप के अंदर बाइक चलाना मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बस आपको जस्ट प्रैक्टिस चाहिए थोड़ा बहुत, और आप यहाँ पर बिल्कुल
इजिली बाइक में मास्टर कर पाओगे। तो गाइस बाइक जरूर से यूज़ करना जब भी मीरामार मैप हम लोग का आने वाला नेक्स्ट अपडेट में। तो उसमें गाइस जब भी आप लोग मीरामार मैप खेलो तो बाइक हमेशा ध्यान में रखना कि बाइक बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद देगा। तो गाइस ये चार व्हीकल के आने के चांसेस है, मतलब कि हमारे जो आएगा, मतलब हमारा जो मीरामार मैप आएगा उसके अंदर से गाइस हो सकता है यहाँ पे डासिया रिप्लेस कर दिया जाए, जीप रिप्लेस कर दिया जाए और ये वाला सारा व्हीकल्स दिया जाए। एंड मे बी ये भी चांसेस है कि इनमें से कुछ व्हीकल दिए जाए और कुछ नहीं दिए जाए। तो गाइस ये वाली चीज़ जो है ये एज अ लीक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक है कि यहाँ पर ये जो जितने भी मैंने गाड़ी दिखाए हैं आपको सब मीरामार मैप के हैं जो कि पबजी मोबाइल से लिए हुए। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड यार जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही ज़्यादा ओबीसी न्यूज़ मैंने आपको बिल्कुल मतलब जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी है। सो आई होप कि वीडियो पसंद आ गया। तो वेट कीजिए गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून्ड।